जनता जिस समय कोरोना महामारी में परेशान हो रही थी और प्राइवेट अस्पताल लूट रहे थे, उस समय आपने उस 2020 के ऑर्डर को यहां पर लागू क्यों नहीं कराया? और देखिए, आपकी मंशा बिल्कुल साफ दिख रही है, आपने लागू क्यों नहीं कराया? क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पतालों से आपकी मिलीभगत, केजरीवाल जी दिल्ली सरकार की मिलीभगत थी कि लूट के पैसे में वो भी हिस्सेदार है। अगर हिस्सेदारी नहीं थी, अगर साझेदारी नहीं थी, अगर इसमें आपकी कोई सांठगांठ नहीं थी, तो आपने अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सीधा सबूत है, एक भी अस्पताल का वो नाम बताएं जिन्होंने जिनके खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई की। और मैं कई ऐसे बिल दिखा दूंगा, यहां तक कि लोगों के एक एक दिन के बिल एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए वसूले गए और दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठे। ये दिल्ली सरकार का जिस समय जनसेवा का काम था, जिस समय महामारी के समय जनता के साथ खड़े रहने का काम था कि दिल्ली की निरी निर्दोष जनता लूटती रही, पिटती रही, वो डाका डालते रहे और सरकार चुपचाप बैठी रही। जिस समय केजरीवाल सरकार की सांठगांठ की वजह से अस्पतालों में कोरोना मरीजों से अनाप शनाप पैसे वसूले, ये मरीजों के पैसे केजरीवाल सरकार वापस कराए अस्पतालों से। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मांग है कि जो अनाप शनाप पैसे लिए वो वापस कराए, नॉर्मल से ज्यादा, आपने जो रेट से चुके उससे ज्यादा कैसे दे सकते हैं? और मैं एक मांग और कर रहा हूं कि इन प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना समय के दौरान जो जो उन्होंने अनाप शनाप पैसे लिए है, तय रेट से ज्यादा लिए है, उसका ऑडिट कराया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है।